असलम व्यूज़, ये मेरे पास ओमेगा कोरिया का स्केल है, 400 किलो कैपेसिटी के साथ है। इसके ऊपर हम 50 ग्राम के ऊपर चलाएंगे। इसकी कंप्लीट सेटिंग और कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। कंप्लीट सेटिंग और कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंटर का बटन है, तो इंटर का बटन दबा के रखना है, इंटर का बटन दबा के रखना है और कैलिब्रेशन मोड में जाना है। ये इंटर का बटन है, इसको दबा के रखना है और कैलिब्रेशन मोड में जाना है। ये D11 आ गया, इसको हमने 5 करना है। तो मेन्यू की मदद से 5 होगा, मेन्यू की मदद से 5 कर दिया, सॉरी ये 5 हो गया। फिर टैब दबाया, यहाँ पे वो कहता है कि इशारे के बाद 2 इंच रखने हैं, 3 इंच रखने हैं या कितने इंच रखने हैं। हमने इसके इशारे के बाद 2 इंच रखने हैं, ये इशारे इंच से चेंज हो रहे हैं जी। ये डेसिमल पॉइंट हमने रखने हैं 2, मेन्यू की मदद से चेंज हो गए, यहाँ पे 2 आ गए। उसके बाद टायर का बटन दबाएंगे, ये टायर हो गया, ये कैपेसिटी 1। इसके बाद कैपेसिटी 1 के ऊपर मेन्यू का बटन दबाएंगे, यहाँ पे कैपेसिटी देंगे, मेन्यू को दे दिया। तो इन टायर की मदद से नेक्स्ट फिगर में आएंगे, तो मेन्यू की मदद से ही दिखेंगे 400 किलो, क्योंकि 400 किलो का लोड सेल लगा हुआ है। उसके बाद टायर 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 और टायर K0 हो गया, फिर टायर दबाएंगे। यहाँ पे K0 के बाद यहाँ पे वेट रख देंगे, हम 20 किलो डेड वेट रखने लगे हैं। ये 20 kg डेड वेट रख दिया। उसके बाद फिर टायर की मदद से नेक्स्ट आएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि 20 kg का वेट रखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर उसके बाद टायर करेंगे, टायर 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 और फिर टायर। ये देखें दोस्तों इसकी 20 kg कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ओके, अल्लाह हाफिज़।